महीनों में श्रावण मास और माघ मास का बहुत ज्यादा महत्व है और इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो छौर कर्म वर्जित है, बाल बनाना, दाढ़ी बनाना इत्यादि ये कार्य बिल्कुल न करें, क्योंकि श्रावण मास पवित्र महीना है, किसी भी प्रकार का छौर कर्म वर्जित होता है। दूसरी बात है कि किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, मांस मछली मदिरा इत्यादि का कतई न करें। ये आसुरी वृत्ति है और ये सात्विक महीना है, इसमें देवताओं का पूजन होता है, भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है और खास तौर पे चित्त की शुद्धि के लिए ये कार्य होता है, ताकि हमारा मन विचार बुद्धि भावना चित्त वृत्ति शांत रहे और हम परमात्मा की कृपा जल्दी प्राप्त करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें। ये चीज विशेष ध्यान देने योग्य है। तीसरा है कि भोजन के साथ वृत्ति का भी महत्व है कि आप भोजन क्या करते हैं और आपका मन किस प्रकार से, आपकी वृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए, आपकी प्रवृत्ति शुद्ध होनी चाहिए, आप जो कार्य करें उसमें कपट की भावना ना हो, आपकी वृत्ति शुद्ध हो और आपको अगर वृत्ति शुद्ध होगी तो ईश्वर का सानिध्य और सन्निकटता आपको जल्दी प्राप्त होगी। और चौथी बात है कि इन चतुर्मास में दधि त्याग किया जाता है, क्योंकि दही में जीवाणु अत्यधिक विकसित होते हैं चतुर्मास में, जो शरीर में विकार पैदा करते हैं, उनके द्वारा विविध प्रकार के रोग की वृद्धि हो सकती है। किसी प्रकार से किसी को मन वचन कर्म से हमारे द्वारा कोई पीड़ित ना हो, इस प्रकार से ये श्रावण मास के विशेष नियम है। अगर इनको हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर हम पर शिव की कृपा होती है और उनकी अनुकंपा हमारे जीवन में होती है और हमारे कार्य जो है सरलता से पूर्ण होते हैं।